भूपेंद्र सिंह सुक्खू जी हमारे नौजवान मुख्यमंत्री हैं, सभी को कॉन्फिडेंस में लेके काम कर रहे हैं, और जितनी रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को राणी सभा को देते हैं, हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी की, उसकी रहनुमाई में कितने चुनाव हुए, हमने जीते। अगर कंट्रोवर्सी होती तो हम चुनाव जीते, आप देखो हम असेंबली जीते, हम जो है वो कारपोरेशन जीते, हम उसके बाद जितने बाई इलेक्शंस हुए उनको हम जीते, उनका बाई इलेक्शन हुआ उसको हम जीते। तो ये कह देना कि संगठन सरकार में, सरकार तो अब बनी है, संगठन में इतना तालमेल था तभी हम इतनी सीटें जीत के आए। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो इसमें सभी का मत होता है, यूनैनिमसली फैसला हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब वो कहेंगे कि महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं, मैं तो 30 साल राजनीति में रहा हूँ, मैं उस वक्त राजनीति में आया था जब तक ये पैदा भी नहीं हुए थे, मैं इनके बाप के साथ काम किया है, मैं इनके दादों के साथ काम किया है। लेकिन जिस श्लोक का उसने वर्णन किया उसको भी मैं बता देता हूँ, वक्त बहुत बलवान है नहीं बलवान इंसान, वक्त बहुत बलवान है नहीं बलवान इंसान, हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन को ही बाण। फिर करो रिपीट, वक्त बहुत बलवान है नहीं बलवान इंसान, हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। इसकी व्याख्या करूं, उसकी व्याख्या है कि वक्त बहुत बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं है। डिक्टेटर भी आए, तानाशाह भी आए, डेमोक्रेट भी आए, वक्त के साथ सब चले गए। कहते हैं कि अर्जुन को कहते थे कि वो वीर वीर है और धनुष का धनी है और उसने महाभारत लड़ा है, लेकिन जब गोपियों को सामने सामने हीर उठा के ले गए तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ के ऐसे बैठा था और उसका धनुष भी वहां था, बाण भी वहां था, लेकिन वो उनको नहीं बचा सका। तभी ये कहा कि वक्त बहुत बलवान है नहीं बलवान इंसान, हीरे लूट मतलब हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन वही। वक्त है, सभी के पास आता है, कौन सोचता है कि सुखविंदर सुख सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अदब माँ हर इंसान का टाइम के ऊपर होना चाहिए। क्या आपको लगता है सर कि इस तरह से ये एक पार्टी डिसिप्लिन का मसला है, इसकी जो है वो कॉग्निजेंस जो है वो पार्टी हाईकमांड को लेनी चाहिए, इसके ऊपर हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल का विस्तार, आपको के दिल में कोई ऐसी बात है, आप मुख्यमंत्री से मिलिए, उसके दरवाजे खुले, वो मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल बनाना उसका प्रोगेटिव है, हाईकमांड भी उसके ऊपर जो है विचार करती है, जहाँ जहाँ इम्बैलेंस होगा वो करेगा, हमारी रिकमेंडेशन से थोड़ा करेगा, सोच विचार। लेकिन भाजपा ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, आपको क्या?